दोस्तों, अगर अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्सिडी के बारे में सभी कस्टमर के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि कौन से स्टेट में कौन सी सब्सिडी ज़्यादा मिल रही, कौन सी स्टेट में कितनी सब्सिडी मिल रही है, एंड 2022 में क्या इसके में चेंजेस वगैरह आए हैं या नहीं, वो भी काफ़ी फ्रेंड्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है। तो गाइज, आज का वीडियो उसी टॉपिक पर है कि कौन से स्टेट में कितनी यहाँ पर जो है टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड इलेक्ट्रिक कार में कौन से स्टेट में कितनी सब्सिडी मिलती है, वो हम यहाँ पर क्लियरली बात करने वाले हैं आपके सामने। एंड जो भी सब्सिडी जो मिल रही है वो मैक्सिमम मिनिमम कितने वगैरह मिलती है। एंड सबसे पहले गाइस, अगर आप मतलब आपको लगता है कि अभी आप फिलहाल यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में रहते हो एंड आपको दिल्ली की या गुजरात की सब्सिडी लेनी है, तो आप जो है उस स्टेट में जाकर मतलब उस स्टेट से कोई शोरूम से आप जो है ले सकते हो नहीं ले सकते, वो भी हम यहाँ पर क्लियरली बात करते हैं। दोस्तों, सब्सिडी जो होती है अलग अलग सब्सिडी होती है, जैसे अलग अलग टाइप की सब्सिडी होती है, जैसे कि हम यहाँ पर आज कि इस वीडियो में स्टेट सब्सिडी के बारे में बात कर रही है। एंड अगर आपको फेम टू के बारे में भी जानना है तो कल की हम यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो में फेम टू की अभी 2022 में क्या सब्सिडी मिलती है उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है वो भी अलग होती है। तो स्टेट सब्सिडी जो गाइज होती है, वो स्टेट सब्सिडी जिस भी कस्टमर को जिस स्टेट से लेना है इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो उस स्टेट का उस कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है वो लगता है। एंड उसके बाद लेने के बाद यहाँ पर जो है कुछ फॉर्म फिल करने के बाद वो बैंक ट्रांसफ़र होती है। एंड फेम टू की भी अलग है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी भी अलग आती है, बट आपको अलग स्टेट से लेना तो आप नहीं ले सकते, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैंक पासबुक वगैरह होता है वो उसी स्टेट का होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कौन से स्टेट में कितनी सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करते हैं स्टेट वाइज, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान वगैरह के नाम है। तो सबसे पहले गाइस, सब्सिडी जो है पर किलोवाट के हिसाब से मिलती है, मतलब बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो पर किलोवाट, अगर मान लीजिए कि 3 किलोवाट या 3 किलोवाट की बैटरी है तो उसमें लगभग जो है 3 बार आप जो इसमें डिवाइड कर सकते हो। तो सिंपली हम 1 किलोवाट बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से जानने वाले, इसका चार्ट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में यहाँ पर जो पर किलोवाट बैटरी कैपेसिटी 5000 मिलती है, महाराष्ट्र में 5000 मिलती है, एंड गुजरात, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 10,000 आती है। बस राजस्थान में यहाँ पर जो है 2,500 रुपये पर किलोवाट बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से मिलता है। एंड मैक्सिमम सब्सिडी जो मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सब्सिडी जो दिल्ली में मैक्सिमम 30,000 यानी 30,000 तक की सब्सिडी आप जो है मैक्सिमम सब्सिडी ले सकते हो। एंड उसके बाद महाराष्ट्र में 25,000, एंड उसके बाद 20,000 रुपये सब में यहाँ पर जो मैक्सिमम है, एंड 10,000 यहाँ पर जो राजस्थान में है। तो सबसे कम सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है राजस्थान में पर किलोवाट 2,500 रुपये, एंड मैक्सिमम सब्सिडी 10,000 रुपीज़ यानी 10,000 रुपये तक आप जो है मैक्सिमम सब्सिडी राजस्थान में ले सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाती है, मतलब मैक्सिमम सब्सिडी। तो ये तो गाइस टू व्हीलर के बारे में है। एंड जो भी मैंने स्टेट बताया है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो गूगल के हिसाब से एंड गूगल पे अपडेट जो हो आएगा इस, वो इतने स्टेट में ही सब्सिडी आपको यहाँ पर जो है स्टेट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में गाइज पर किलोवाट बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से आपको 5,000 रुपीज़ मिलती है। एंड दिल्ली, गुजरात, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो उसमें ज़्यादा है, बट महाराष्ट्र में पर किलोवाट 5,000 के अराउंड यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड मैक्सिमम सब्सिडी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सब्सिडी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है, लगभग आपको 2,50,000 रुपये तक के आपको यहाँ पर जो है सब्सिडी मैक्सिमम प्रोवाइड की जाती है। दिल्ली में मैक्सिमम 1.5 लाख है, उसके बाद सभी में 1.5 लाख है, एंड 1 लाख आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलती है मैक्सिमम ओडिशा में। एंड उसके बाद आपके सामने चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कम ज़्यादा है। तो गाइज ये तो जो सब्सिडी है वो स्टेट वाइज सब्सिडी होती है, अभी 2022 में जो भी है वो मैंने क्लियरली आपके साथ शेयर किया। अगर आपको फेम टू या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में जानना है तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। एंड गाइज एक हमारा वीडियो आने वाला है, उस पर हम कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर में कौन कौन से ब्रांड्स में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही था, आपको किस तरह कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, और ऐसे इलेक्ट्रिक वर्कर्स की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।